नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश से जुड़ी अब तक की प्रमुख खबरों को। आज सुबह सुबह राजधानी पटना के पुनाईचौक इलाके में रहने वाले पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के धन कुबेर होने का खुलासा हुआ है। सुबह सुबह निगरानी विभाग ने जब छापा मारा तब विजिलेंस की टीम ने लगभग 60 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 40,120 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3.21 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं 585 लोगों की जान भी चली गई है, जिसके तहत जान गंवाने वालों की संख्या 4.30 लाख पर पहुंच गई है। हालांकि 42,295 मरीज बीते 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। बिहार के कई जिलों के साथ साथ पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एनआईटी घाट जाने के लिए जो भी रास्ते हैं वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। रास्ते में घुटने भर पानी हो गया है, लेकिन युवक युवतियां रास्ते के साइड में बने दीवार पर चढ़कर जा रहे हैं। इधर पानी शहर की तरफ ना बढ़े, इसलिए बालू की बोरियों को घाट किनारे रखा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82% तक की वृद्धि की है, जिससे घरेलू हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमाएं लगाई थी। बिहार के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बाबत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों में आकर भूमिगत हुए नागरिकों की तलाश सुरक्षा एजेंसी ने तेज कर दी है। सूबे में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, किशनगंज आदि जगहों पर एहतियातन सतर्कता बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक से कहा है कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़ित 9 साल की बच्ची के माता पिता की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में गुरुवार को समस्तीपुर की जीविका दीदियों से बातचीत की, जहां पर जीविका दीदियों के उत्साह भी देखने को मिला। इसके साथ ही इस दौरान पीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ऑनलाइन बातचीत की और साथ ही उनके अनुभवों से रूबरू हुए, साथ ही उनके काम की सराहना भी की। चोटिल होने के बाद भी भारत का पहलवान 65 किलोग्राम में देश का नाम रोशन करने में बजरंग पुनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं बजरंग पुनिया जब घर लौटे तब उनके आवास सोनीपत में शानदार स्वागत हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम की फिटनेस का असल श्रेय टीम के कप्तान विराट कोहली को जाता है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा का कहना है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि विराट कोहली ने फिटनेस के प्रति टीम का माइंडसेट ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात इन्वेस्टर समिट में नई स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रही है। स्क्रैपेज पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड उत्पत्ति की जांच करने को लेकर अपनी नाक कर दी है। चीन ने कहा है कि यह राजनीतिक तौर से प्रेरित दिखाई पड़ता है। चीन ने साफ कहा है कि हम वैज्ञानिक ट्रेसिंग का सपोर्ट करते हैं, लेकिन राजनीतिक ट्रेसिंग का विरोध करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से 15 अगस्त पर ध्वजारोहण करेंगे और भाषण देंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण के लिए युवाओं से विचार और सुझाव मांगे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातों का जिक्र पीएम मोदी अपने भाषण में शामिल करें, तो आपकी क्या राय है उसे MyGOV India पर साझा करें। विक्रम बत्रा को आज राजनाथ सिंह ने याद किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में कहा कि सरकार का ऐसा शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना है जो किसी पर हमला नहीं करना चाहता, अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले इस अमर सुपूतों को अपनी ओर से शीश झुकाकर नमन करता हूं। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए राहत की खबर है, अब वो भी यहाँ कोरोना की वैक्सीन ले सकेंगे। विदेशी नागरिक अब कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और पास के टीका केंद्र पर जाकर टीका ले सकेंगे। राज्यसभा अध्यक्ष जल्द ही सदन में विपक्षी सांसदों के कथित अनियंत्रित व्यवहार पर कार्रवाई कर फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पिछले उदाहरणों और ऐसी कार्रवाइयों का गहन अध्ययन किया जा रहा है। मामले को विशेषाधिकार समिति को भी सौंपा जा सकता है। विश्व भर में हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। ऑर्गन डोनेशन डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके उसका संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक भारत में हर साल 5 लाख लोगों की मौत समय पर ऑर्गन नहीं मिलने की वजह से होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में DRDO भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2DG दवा के असरदार होने का दावा किया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे बताया कि 2DG एक असरदार दवा है, यह ऑक्सीजन लेवल कोविड मरीजों में बढ़ाती है। कोई दूसरा देश को अभी फिलहाल ऐसा नहीं है जहां पर
इस तरीके की कोई खोज की गई है। भारत के वैज्ञानिक ने इसे संभव बनाया है। रणनीतिक साझेदार को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका पर कटाक्ष किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को केवल उस गड़बड़ी से निपटने के लिए उपयोगी समझता है जो उसने 20 साल की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में पीछे छोड़ी है, और जब रणनीतिक साझेदारी बताने की बात आती है तो वो भारत को प्राथमिकता देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा के गांव खंजरा में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उनके जीत की खुशी में लगभग 20,000 लोगों को खाने की दावत भेजी गई है। व्हाट्सएप पर स्टेटस फीचर को जल्द ही अपडेट मिलने वाला है। इस अपडेट के बाद यूजर सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करके स्टेटस देख पाएंगे। ये फीचर फिलहाल इंस्टाग्राम पर मौजूद है और ये भी हुबहू इंस्टाग्राम की तरह ही होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन की धार कम करने के लिए भाजपा वेस्ट यूपी के उन 104 विधानसभाओं में किसान संवाद करने जा रही है जिन इलाकों में भाजपा को लेकर किसानों में नाराजगी है। बीजेपी के इस कदम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह तो अच्छा है कि 4 साल बाद किसानों से संवाद करने का याद आया, गाँव जाए तो चेक लेकर जरूर जाए। भारत में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वाहन अनफिट होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लिहाजा पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए नई स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दुबई के लिए रवाना हो गई है, जिसके तहत अब टीम 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल का हिस्सा बनने वाली है। इसको लेकर सीएसके ने खुद ही सारी जानकारी साझा की है और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर भी शेयर की है। गांव में बेहद आराम से और मुफ्त में मिल रही पूजा पाठ के लिए गाय का गोबर, गाय के गोबर से बने कंडे, उपला गोईठा, आम के पत्ते, बेलपत्र इत्यादि चीजों के लिए भी अब ईएमआई का ऑप्शन आ गया है। इन्हें अमेजॉन वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। ये सब अब ऑनलाइन बिक रहे हैं। त्योहार में गाय के दूध और गाय के गोबर इत्यादि की काफी अहमियत होती है। लक्षद्वीप प्रशासन ने पड़ोसी राज्य पर खास तौर से केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर आइसलैंड से मेनलैंड की ओर ट्रैवल करने वाले लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय निवासियों को मेनलैंड की सभी गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने बताया है कि 3 इंजीनियरों को एक ऐसे क्षेत्र में बांध परियोजना स्थल से बचाया गया है जो कि सरकारी बलों के नियंत्रण में नहीं है और वहां पर तालिबान पहुंच चुका है। दूतावास ने नए सुरक्षा परामर्श में इंजीनियरों के बचाव का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया है। कोरोना धीरे धीरे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। बेंगलुरु में पिछले 10 दिनों में 543 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका में शुक्रवार को यह सूचित किया है कि 1 अगस्त से 11 अगस्त तक 0 से 19 साल के आयु वर्ग के 543 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि इस आयु वर्ग में किसी की जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आज लेफ्ट हैंडर्स डे है। इसे पहली बार 1976 में मनाया गया था। इस दिन बाएं हाथ से लिखने वाले और अन्य काम करने वाले लोगों के लिए जश्न मनाया जाता है और यह दिन बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियोनार्डो द विंची तक इन लोगों ने अपने क्षेत्र में बाएं हाथ के लोगों का नेतृत्व किया है। त्योहार के मौके पर IRCTC ने भी कैशबैक ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को तेजस में सफर करने पर कैशबैक ऑफर दिया जाएगा। इसमें तय अवधि के बीच महिलाओं को 5% कैशबैक दिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, रंजीत ठाकुर, ओमकार सिंह, चंदन पटेल, रोहित कुमार, कृष्णा कुमार, ओमकार सिंह, शंभु शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, अरविंद कुमार, संगीता सिंह, नरेश सिंह, काजू पांडे, मंतोष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल 2021 में इस साल किस टीम के खिताब जीतने के सबसे ज्यादा आसार है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।